सोसाइटी में होने वाली हर गलत चीज क्राइम की डेफिनेशन में आती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी सोसाइटी में कोई जुर्म होता है तो क्रिमिनल को गिल्टी प्रूव करवाने के लिए वो दो कौन सी सबसे जरूरी चीजें होती हैं। कहने का मतलब है कि हर गलत चीज क्राइम नहीं होती, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं उस पर्टिकुलर चीज को क्राइम प्रूफ करने के लिए, जिसमें फर्स्ट है आपकी एक्टस रियस एंड सेकंड है मेंस रिया। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल है। एक्टस रियस का मतलब होता है गिल्टी एक्शन, वेयर एज मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन। कोई भी इंसान जब सोसाइटी में कुछ गलत करता है या कुछ भी क्रिमिनल नेचर की एक्टिविटी करता है तो उस टाइम पे उसे गिल्टी प्रूव करने के लिए कोर्ट रूम में लॉयर्स को एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों ही प्रूव करने पड़ते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो वो पर्सन गिल्टी नहीं माना जाएगा। Yes, there are few exceptions to it, लेकिन maximum scenario में ये दो चीजें प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम और डिटेल में जानते हैं कि एक्टस रियस और मेंस रिया क्या होता है। See, यहां एक लड़की एक लड़के को ब्रूम से मार रही है, इतनी बुरी तरह से मार रही है कि लड़का मर गया। ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे दो चीजें देखी जाएंगी कि वो लड़की जो लड़के को मार रही थी क्या उसकी गिल्टी इंटेंशन थी, एंड एज वेल एज हम चेक करेंगे कि जो एक्शन किया वो गलत था या नहीं था। अब देखिए, झाड़ू से मारना तो गलत एक्शन है ही है और किसी की डेथ हो जाना उसकी वजह से ये भी गलत ही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टस रियस तो था, लेकिन पिक्चर को अच्छे से समझने के लिए हम गए थोड़ा सा बैकग्राउंड में। हुआ कुछ ऐसे था कि ये जो लड़का था जिसको लड़की ने मार दिया, ये एक बच्चे को लेके भाग रहा था, मतलब किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तो उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे लड़की ने इसे मारा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यहाँ लड़की की इंटेंशन गलत नहीं थी, तो ऐसे सिनेरियो में लड़की को क्रिमिनल या फिर लड़की के द्वारा किए गए एक्ट को क्राइम नहीं बोला जा सकता। So, क्या समझ में आया यहां से हमें कि किसी भी इंसान को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए, किसी भी इंसान की एक्टिविटी को क्राइम बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम ये देखें कि उसने जो काम किया है पहले तो वो गलत होना चाहिए, दूसरा जो काम उसने किया है वो फुल इंटेंशन से किया है तो ही हम बोल सकते हैं कि उसने क्राइम किया है। जैसे हमने देखा इस एग्जाम्पल में कि मेंस रिया मिसिंग होने की वजह से हम लड़की को सजा नहीं दे सकते, वैसे ही अगर मान लीजिए सिर्फ किसी क्राइम में अगर मेंस रिया इन्वॉल्व है, एक्टस रियस नहीं है, तो क्या वो एक्चुअली क्राइम कहलाया जाएगा? इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सोचिए, दिन में हमें कितने सारे लोग मिलते हैं, कुछ तो ऐसे मिलते हैं जिनको मन करता है कि एक दिन बहुत तसल्ली से मारेंगे। ऐसा सोचना आपका क्या है? गलत इंटेंशन है। बट क्या हम उस हर इंसान को मारते हैं जिसके बारे में हम ऐसा सोचते हैं? नहीं मारते, मार ही नहीं सकते, राइट? सो यहां हम सिर्फ मेंस रिया कर रहे हैं, एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये भी क्राइम की डेफिनेशन में नहीं बैठता है। सो किसी भी इंसान को गिल्टी प्रूफ करने के लिए, किसी भी इंसान द्वारा किए गए एक्ट को क्राइम बोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला तो वो गलत इंटेंशन से वो काम करे, दूसरा जो उसने काम किया है वो गलत होना चाहिए। ये दोनों ही किसी भी सिनेरियो में मेन कंसिडर किए जाते हैं किसी भी इंसान की एक्टिविटी को क्रिमिनल प्रूफ करने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी मिसिंग होगा, अगेन आई एम रिवाइजिंग, तो ये एक्ट हमारी क्या क्राइम नहीं कहलाई जाएगी। आइए हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है एक्टस रियस इज गिल्टी एक्ट। एक्टस रियस इज द एक्शन द पर्सन टेक्स टू परफॉर्म द क्रिमिनल एक्ट। मतलब यहाँ पे फिजिकल एक्शन जो वो ले रहा है वो गलत होना चाहिए। एंड मेंस रिया की बात की जाए तो गिल्टी माइंड, मतलब जो इंटेंट है इंसान का उस पर्टिकुलर एक्ट के पीछे वो गलत होना चाहिए।
अगर इन दोनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो उस इंसान द्वारा किया गया एक्शन क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद और समझ दोनों आई होंगी। अगर ऐसा है, हिट द लाइक बटन और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अमेजिंग स्टफ फ्यूचर में आने वाला है। विद दैट कुछ तो आ भी चुका है, यू कैन चेक दैट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।